9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही G20 शिखर बैठक पर पूरी दुनिया की निगाह है। अमेरिका और कनाडा समेत अधिकतर G20 देशों के प्रमुख 18वीं G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आने का ऐलान कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आने में अपनी असमर्थता जता चुके हैं, वजह बताया है यूक्रेन में जारी रूस का विशेष सैन्य अभियान। राष्ट्रपति पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सवाल है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी एक या दो देश के प्रमुख G20 शिखर बैठक में खुद शामिल नहीं हो रहे हों? जवाब है नहीं। G20 में भारत सहित 19 देश और यूरोपीय यूनियन लगाकर कुल 20 सदस्य हैं, लेकिन ऐसा कम ही हुआ है कि सभी सदस्य देशों के प्रमुखों ने इसमें शिरकत किया हो। कई मौके पर कई देशों के राष्ट्र प्रमुख इनमें हिस्सा लेने में असमर्थ रहे हैं, वजह अपनी अपनी रही है। शिखर बैठकों के सिलसिले पर निगाह डालें तो 2008 से लेकर अब तक G20 की कुल 16 ऐसी शिखर बैठक हुई है जिसमें सदस्य देश के राष्ट्र प्रमुख अध्यक्ष देश में जुटे हों, यानी कि बैठक फिजिकल तरीके से हुई हो। 2020 में सऊदी अरब की मेजबानी में हुई G20 शिखर बैठक कोरोना महामारी की वजह से वर्चुअल तरीके से हुई थी। बात करते हैं आमने सामने बैठकर हुई G20 शिखर बैठकों की। आमने सामने की 16 शिखर बैठकों में से 2008 और 2009 में हुई पहली 3 बैठकों के अलावा, यानी कि 2010 से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी एक बैठक में सभी देशों के प्रमुख उपस्थित हुए हों। 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 और 2017 की 6 शिखर बैठकों में किसी न किसी एक देश के राष्ट्र प्रमुख शामिल नहीं हुए, उनकी जगह उनके देश की नुमाइंदगी किसी और ने की। 5 शिखर बैठकों में 2 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल नहीं हुए, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद 2022 में इंडोनेशिया में हुई शिखर बैठक में 3 देशों के प्रमुख शामिल नहीं हुए, 2021 में रोम में हुई शिखर बैठक में तो 6 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की जगह उनके नीचे के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एक नजर G20 सदस्य देशों के प्रमुखों की हिस्सेदारी के रिकॉर्ड पर। भारत, कनाडा, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, ये सभी ऐसे सदस्य हैं जिनके प्रमुखों ने हमेशा ही G20 में हिस्सा लिया है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस के राष्ट्र प्रमुख 2 बार G20 शिखर बैठक में नहीं आए, जबकि चीन, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख खुद एक बार G20 बैठक में शामिल नहीं हो पाए। मेक्सिको की तरफ से 3 बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्र प्रमुख ने G20 में खुद हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरब ऐसा देश है जहां से राष्ट्र प्रमुख ने वहां के राष्ट्र प्रमुख ने सबसे अधिक बार 9 बार G20 बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, देश का प्रतिनिधित्व किसी और ने किया। 2021 में इटली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में तो 6 सदस्य देशों के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट की बजाय उनसे नीचे के स्तर के प्रतिनिधियों ने शिरकत किया। कुल मिलाकर ये कि अध्यक्ष देश मेजबान देश के तौर पर सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित करता है, किसी मेहमान के आने न आने का फैसला और उसके पीछे की वजह उनका अपना होता है।